नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बुल्सकाई में आपका स्वागत है। 14 सितंबर को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भले ही भारत की राजभाषा है, लेकिन भारत में ही आज ये पिछड़ती जा रही है। हिंदी दुनिया भर में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी का अपना बहुत पुराना इतिहास रहा है। भारत में लगभग 4.25 करोड़ लोगों की पहली भाषा हिंदी है। तो आइए जानते हैं कि किन गैर हिंदी भाषी देशों में हिंदी बोली जाती है। नेपाल से हमारे देश की सीमा लगती है। नेपाल में आपको बड़ी संख्या में हिंदी समझने और बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। नेपाल में करीब 8 मिलियन लोग हिंदी भाषा बोलना और समझना जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक अंग्रेजी भाषा देश है, लेकिन शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि हिंदी भाषा बोलने पर वो तीसरे नंबर पर आता है। करीब 6,50,000 लोग यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, जिसमें अप्रवासी भारतीय भी शामिल हैं। जर्मनी में कई जगहों पर हिंदी भाषा को लोग सीख रहे हैं। कई दशकों से यहाँ हीडलबर्ग, लीप्ज़िग और बॉन सहित विश्वविद्यालयों और शहरों में हिंदी और संस्कृत भाषा को पढ़ाया जाता है। मॉरिशस में अंग्रेजी और फ्रेंच संसद की आधिकारिक भाषा है, लेकिन यहाँ पर एक तिहाई लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। न्यूजीलैंड। भारत सस्टेनेबिलिटी चैलेंज 2017 के मुताबिक न्यूजीलैंड में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। तो ये वो देश हैं जहाँ पर हिंदी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।